कुर्सी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज आप लोगों को तीन रिक्शा दिखाएंगे, एक नॉर्मल है और एक जो है इलेक्ट्रिक है। दो इलेक्ट्रिक है तो दोनों का मॉडल जो अलग अलग है, तो आप लोगों को दिखाएंगे, एक करके आप लोगों को दिखाते हैं किस गाड़ी में क्या फैसिलिटी है। जो पहले का ठेला आता था वो किस तरह का है, अभी जो इलेक्ट्रिक ठेला बनता है वो किस तरह से बनता है, वो आप लोगों को दिखा देते हैं एक करके। तो पहले आप लोगों को नॉर्मल वाला दिखा देते हैं। यह देखिए नॉर्मल वाला, इसमें ये पहले आता था, इसका तिल्ली देखिए बहुत पतला वाला है, इसका रिंग भी बहुत पतला है और टायर भी पतला है। ये पतला वाला देखिए, इसमें ये पाइप का इसका जो होती है आता है, इसका फ्रेम जो है पाइप का है और इसका कैची भी देखिए, इसका कैची भी पाइप का है। तो ये बहुत हल्का होता है, ज़्यादा इसमें लोड नहीं कैरी कर सकते, ज़्यादा कैरी करेंगे तो टूट जाएगा, बहुत कमज़ोर होता है। पाइप है इसके अंदर खाली है। ये पेडल चलने वाला है और इसका चेसिस भी देखिए, ये चेसिस हल्का है। इसमें दो नट लगाया गया है, यहाँ पे दो नट लगाया गया है और ये सारा जो रॉड दिख रहा है ये सारा पतला में। और आप लोगों को इलेक्ट्रिक का दिखाएंगे, उसमें सारा जो है मोटा रहेगा। इसमें देखिए ये पीछे वाला चक्का देखिए कितना पतला है, इसको बड़े से ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा तो इलेक्ट्रिक जो रिक्शा बनता है उसको भी दिखा देंगे किस तरह से बना हुआ है। ये इसका हाब है छोटा साइज में, इसका जो एक्सेल आता है वो भी पतला वाला 1 इंची में, और ये लकड़ी का बॉडी है, इस पर कलर कर दिया गया है, बढ़िया बन गया है। इसका सीट देखिए, सीट पहले लंबा वाला था, कमज़ोर है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। ये पहले आता था, अब आप लोगों को दिखाते हैं इलेक्ट्रिक वाला। यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक वाला पड़ा हुआ है, तो इसका आप लोग पहले फ्रेम देख लीजिए। फ्रेम देखिए कितना चौड़ा में है, लगभग 2.5 इंची में है, ये 2.5 इंच में चारों ढलाई वाला है। इसमें मोटा मतलब इसका थिकनेस जो है काफ़ी मोटा है, और इसका कैची देखिए ये भी ढलाई वाला है, और इसके साथ एक लोहा का ये लगाया गया ताकि ज़्यादा मजबूत रहे। और इसका तिल्ली देख सकते हैं काफ़ी मोटा है, वो लगभग 3 mm का है और ये 5 mm का है, एक तिल्ली आता है। और इसका रिंग देखिए, टायर देखिए काफ़ी मोटा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड कैरी करना है, ज़्यादा दूर चलना है, इसलिए हर चीज़ जो इसमें अच्छा रखा गया है। इसका देखिए हाफ देखिए कितना हैवी है, और इसमें इसका जो चेचिस देखिए, इसका चेचिस ये मोटा है, ये भी काफ़ी मोटा है। इसमें 4 नट से लगाया गया है, और ये पैर वाला ब्रेक है, उसका पैर वाला ब्रेक नहीं रहता है। इसमें चेन खोल दिया गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी चलता है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। और इसका देखिए मोटा, ये जो रॉड देख रहे हैं काफ़ी मोटा है, 1 इंची में इसका रॉड है, ठीक है। और ये पेडल वाला सिस्टम इसमें रखा गया है, और आप लोगों को इसका दिखा देते हैं। सीट कंफर्टेबल है, यहाँ पे पीछे टेक लगाने के लिए है, अगर ज़्यादा दूर चलना है तो ये वाला रखा गया है। इसका बॉडी भी काफ़ी चौड़ा है, देख सकते हैं इससे, ये लगभग 4 फीट इसको बनाया गया, ये थोड़ा ज़्यादा है, 6 इंच ज़्यादा है, 4.5 होगा इसे। इसका बॉडी भी ज़्यादा काफ़ी मजबूत है इसका देखिए। और पीछे से यहाँ पे पैर रखने वाला, इसमें सवारी भी बैठते हैं तो पैर रखने वाला, यहाँ पे पैर रख के जो है इस तरह से बैठते हैं ताकि बैठने में आसानी रहे। इस तरह बैठ के जो है दो आदमी इधर पीछे बैठते हैं, दो आदमी सामने बैठता है, 6 या 7 आदमी बैठ सकता है और सामान कैरी भी कर सकता है आसानी से। तो ये वाला इलेक्ट्रिक हो गया। दूसरा आप लोगों को दिखाते हैं, दूसरा चक्का से बना, काफ़ी मोटा चक्का से बना हुआ है ये, आगे से दिखा देते हैं। ये थोड़ा दूसरा स्टाइल में बनाया गया, ये भी बैटरी से चलता है, ठेला टाइप का बनाया गया है, और इसमें ऊपर से जो है छत जलाया गया ताकि धूप उप ना लगे, यहाँ पे आगे से शीशा लगाया गया है। और इसके चक्का देखिए, ये टोटो जो होता है इलेक्ट्रिक जो टोटो आता है उसके चक्का से बनाया गया है। इसमें शॉकर लगा हुआ है दोनों साइड में, इसमें जैकिंग बिल्कुल नहीं बुझाता है। ये लाइट देखिए, 1, 2, 3 लाइट लगाया गया है रात को चलने के लिए, उसमें भी लाइट है लेकिन वो 1, 2 लाइट है। इसमें काफ़ी बड़ा मोटरसाइकिल का लाइट लगा हुआ है, और इसमें शॉकर लगा है। इसका रिंग देखिए एल्युमिनियम का रिंग से बना हुआ है, सीट टायर लगा हुआ है, काफ़ी मोटा, इसमें बहुत दिन तक चलता है, काफ़ी मजबूती से इसको बनाया गया है। और इसका सीट थोड़ा अलग है, और ये जो गार्ड दिया गया है लेग गार्ड इसमें रखा गया ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसमें मीटर लगा हुआ है मोटरसाइकिल की तरह, यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ देखिए मीटर लगाया गया है कितना स्पीड में आपका चलेगा गाड़ी, यहाँ पे चाबी ऑन ऑफ करने के लिए है, और ये थ्रोटल है, और ये पीछे गियर करने के लिए है,
पीछे भी आप ले सकते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड का बटन दिया हुआ है, सारा चीज़ इसमें बटन में दिया गया है। लाइट के लिए उसके बाद इंडिकेटर भी लगाया गया है, हॉर्न दिया गया है, और इसमें देखिए यहाँ पे जॉइंट किया गया है, और यहाँ पे पैर वाला ब्रेक रखा गया, जैसे टोटो वोटो में थी, ऑटो वोटो में होता ना, इसी तरह से ब्रेक काम करता है। इसका मोटर भी दोस्तों दिखा देते आप लोगों को, और इसका पहले बॉडी देख लीजिए, काफ़ी लंबा में लगभग 5.5-6 फीट का है, और ये है आपका 4 फीट में, 4x6 का है। ऊपर छत लगाया गया है, यहाँ पे आदमी एक आदमी बैठ सकता है, वहाँ पे आदमी बैठ सकता है, तो इसमें आप 8 आदमी बैठा सकते हैं, उसमें सामान भी ले सकते हैं, सीमेंट उमेंट का बोरी भी ढो सकते हैं आसानी से, तो दोनों काम आपका हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम कर पाएंगे। और इसका पीछे वाला आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए कितना मजबूती से इसको बनाया गया, 2x2 इसका स्क्वायर से पाइप डाला गया है, यहाँ पे बैटरी डालने के लिए रखा गया है, और इसका मोटर आप लोगों को दिखाएंगे पीछे से, आगे से दिखाओगे, इधर से दिखाओगे, यहाँ पे देखिए इसमें गियर मोटर लगाया गया है, इधर से दिखाओ, इधर से दिखाएगा इसका मोटर, देखिए चेन इसमें से, चेन वाला सिस्टम नहीं है, वो पूरा एक्सेल के साथ जैसे बड़ा गाड़ी में होता है उसके अंदर फिट किया गया है, ताकि चेन उतरने का कोई झंझट ही नहीं है, तो ये काफ़ी इसमें मतलब टोटो वाला सिस्टम इसमें लगाया गया है। पीछे से आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ वहाँ पे देखिए उसके अंदर जो है मोटर लगाया गया है, और ब्रेक इसमें शॉकर डला गया जैसे बड़ा गाड़ी में होता है, उसमें देखिए यहाँ पे इस साइड में आप लोग दिख रहा होगा, जर्किंग भी इसमें बिल्कुल नहीं बुझाएगा, तो ये गाड़ी चलाने में बिल्कुल आसानी रहेगा। तो इस तरह गाड़ी आप लोग बना सकते हैं, ये प्लाई का डला गया है, प्लाई के ऊपर से लकड़ी का फ्रेम बॉर्डर दिया गया है, और इसके अंदर बॉक्स आप डाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोई भी सामान इसमें, टूल्स वगैरह जो भी आप लोगों को चाहिए होगा, कहीं आप दूर जा रहे हैं तो इसमें चार्जर वार्जर इसमें डालने के लिए आप लेके कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे लुकिंग ग्लास दिया गया है, ये लगभग 1-20 तक बनता है, और वो गाड़ी जो है लगभग 60-70 हज़ार में मिलता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ बढ़िया से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग किया गया है, आप लोग देख सकते हैं सारा चीज़ जो है कलर किया गया है, ये ब्रेक वाला सिस्टम जो है यहाँ पे देखिए काम करेगा, यहाँ दिखाओ ये ब्रेक काम कर रहा है, स्प्रिंग यहाँ पे लगाया गया है, फिर छोड़ेंगे तो फंस जाएगा, ये ब्रेक वाला दोनों पीछे का चक्का को ब्रेक करता है, इसमें भी ब्रेक पीछे वाला ब्रेक लगाया गया है, इसमें भी पीछे का ब्रेक लगाया गया है, ये आगे वाला ब्रेक है, और ये नॉर्मल वाला में केवल जो है हाथ का ब्रेक है, क्योंकि ये स्पीड में चलेगा तो आप लोगों को जाहिर से मालूम है, सामने वाला ब्रेक दबाएंगे तो रुकेगा नहीं, गाड़ी गिर जाएगी, इसलिए पीछे वाला ब्रेक लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए मिलन टेक्निकल को सर्च करिए, अब मिलते हैं नए दूसरे वीडियो के साथ, जब दूसरा गाड़ी जब बनेगा उसका वीडियो भी डालेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।